लोग आए हैं न्यू दुकान थॉमस फिलिप्स, और ये लोग चलो न्यू दुकान खोजे हैं। तो चलिए हम शॉप के अंदर एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, और ये जो शॉप है ये सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ मिला हुआ जो होता है ना दुकान वो है, सब कुछ है, डेकोरेशन से लेके बर्तन से लेके फर्नीचर सब कुछ आपको मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं बेडशीट ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे बेडशीट में है कि बेडशीट भी है, बेडशीट कवर भी है, और तो मैं वही चूज कर रही हूँ कि मेरे साइज का अगर मिले तो अच्छा है, जो बेड जो हमारे बेड का साइज है उस साइज का अगर मिलेगा तो मैं लूँगी, वही मैं ढूंढ रही हूँ कि ऋषित के रूम का या मेरे रूम के साइज का मिलेगा तो मैं ले लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ ये वाले बर्तन वाले सेक्शन में, जो फ्राई पैन वगैरह मिलता है उस वाले सेक्शन में मैं आई हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्राई पैन देख रही हूँ, और ये देखिए ये देख रहे हैं हम यहाँ पे नूडल बनाने के लिए कढ़ाई देख रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ा मुझे, मैं इसको ना बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे कभी मिला नहीं इसका, जो भी मिलता था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मेरा बेटा देखिए कितना मस्ती कर रहा है, कभी छुप रहा है कभी, ये देखिए इसको। और ये वाला सेक्शन देखिए ये बेकिंग के लिए है, जो केक वगैरह बनाते हैं उस साइड पूरा बेकिंग का, और ये वाला से इधर वाले साइड में पूरा क्लीनिंग का, घर का जो मॉप वगैरह होता है क्लीनिंग के लिए वो सारा सामान इस साइड मिलता है। तो और ये देखिए ये हम मैं इसको ढूंढ रही थी, ये जो होता है ना मैं ठकुआ बनाती हूँ उसके लिए मुझे बड़े बर्तन चाहिए, ये मिला तो, लेकिन इसके नीचे ना जो एक स्टैंड है ये बियर वगैरह के लिए रखा हुआ। और ये देखिए ये वाला सेक्शन हमारा आ गया पटाखों वाला, तो मैं यहाँ पे पटाखे देख रही हूँ कि किस टाइप का लूँ, क्योंकि अलाउ तो है नहीं, तो छोटे छोटे पटाखे लेने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों वाले ही यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ढेर सारे थे यहाँ पे बच्चों वाले, ढेर सारे भरे हुए थे, बट जो बड़े वाले होते हैं वो वाले नहीं मिल रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है, तो मैं वही देख रही हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो ऋषि से भी पूछ रही हूँ, लेकिन ऋषि बोल रहा है कि कुछ यहाँ पे लेंगे कुछ लिडिल में लेंगे, पता नहीं लिडिल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ से एक पैकेट ये वाला सोच रही हूँ कि ले लूँ, इसमें वही फुलझड़ी वगैरह है पूरा, तो देखिए देखते हैं कितना लेते हैं। और ये वाला सेक्शन हमारा कैंडल का है, डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह का है, तो यहाँ लाइट वगैरह कैंडल का है ये वाला। तो देखिए ये वाला पटाखा हमने ले लिया और कढ़ाई भी ले लिए हैं, तो चलिए अब आते हैं ग्लास वाले सेक्शन में। तो ये हमको लेना है, ये ग्लास जो है ना पीने वाले, मेरे पास वन पीस है घर में, तो मैं चाह रही हूँ कि फोर पीस और ले लूँ तो फाइव का सेट हो जाएगा, तो जैसे कोई आता है ना तो फाइव पीस रहेगा, तो आराम से जूस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी हो तो आराम से पी सकें इसमें। तो ये इनको बहुत ही पसंद पड़ा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन सोच रहे थे कभी लेंगे, तो अभी ध्यान पड़ा तो चलो ले लेते हैं इसको। अभी ये बॉटल लेना है, तो वही कहाँ इनसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कलर लूँ यहाँ पे, तो ये बोले कि एक कलर नहीं लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं, डिफरेंट डिजाइन लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वही सोच रहे हैं कि फोर पीस लेना है तो अलग अलग ही लो। तो यहाँ पे एक हम येलो वाला लिए हैं, एक पिंक लेंगे ये वाला, हाँ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक मैं यहाँ पर पिंक ले रही हूँ और दूसरा एक ये ब्लू ले रही हूँ, और एक प्लेन वाला लूँगी जो मेरे पास पहले से है। और ये देखिए एक ये है, एक और होगा एक प्लेन वाला वाइट, ये इनको पसंद नहीं पड़ा क्योंकि उसमें हैंड पकड़ने वाला ही नहीं था। और ये देखिए बॉटल में बना हुआ है, तो ये किसी का येलो लिए हैं, एक प्लेन वाला है और दो पिंक और येलो सेम कलर का है, सेम डिजाइन है। तो ये देख रहे हैं, और ये वाले सेक्शन जो है वही कप वगैरह वाला है, कप है आइसक्रीम का है, तो बहुत अच्छा सब मिला जुला है, मतलब सब कुछ आप जो ढूंढिएगा ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो अच्छा लगता है मुझे ये शॉप। और ये लंच बॉक्स का पूरा सेक्शन है, बच्चों का जो होता है ना स्कूल का लंच बॉक्स वो वाला पूरा सेक्शन है, ये देख सकते हैं। और ये हमारी फ्रेंड के पास है सब्जी क्लीन करने के लिए,
तो मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन इसको अभी लिए नहीं है, बस देखे हैं कि मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम इसका यूज कैसे करते हैं उनसे पूछेंगे, फिर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, तो इसको देख रहे हैं कि कैसे क्लीन कैसे करता है। मेन वो ध्यान देना है कि क्लीनिंग कैसे करता है, सब्जी वेजिटेबल रखने के बाद क्लीन कैसे करते हैं उसको देखना होगा। और ये यहाँ पे कप ले रहे हैं, कप इनको बहुत पसंद है, तो कप वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। तो ये रिसीत को बोल रहे हैं, रिसीत लेकिन दूसरा कप ले रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कप हैं, बहुत सारे डिजाइन में कप हैं। तो कप का सिलेक्शन, तो कप तो हम दोनों को बहुत पसंद है, तो कप को कलेक्ट करने हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो ये कप देख रहे हैं, यहीं से हम लोग अपने लिए दो कप लिए हैं व्हाइट वाले। वो देखिए उतने सारे कप रखे हैं हम लोग इसमें रखे हैं, देखते हैं लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कौन सा कप लेना है कौन सा नहीं लेना है। चलिए और हम लोग अब आ गए हैं ये वाले सेक्शन, ये जो होता है चॉपिंग वाला, जो सब्जी वगैरह कट करने वाला रहता है उसके पास, और मसाले के डब्बे वगैरह है उस वो वाले सेक्शन में आ गए। तो कुछ यहाँ पे हमें अच्छा लगा, लेकिन उसका क्वालिटी उतना मुझे मज़ा नहीं आया, तो वो देखते हैं। ये गिफ्ट के लिए सोच रहे थे लेकिन अच्छा नहीं लगा ये वाला मसाले के लिए, तो ले तो लिए हैं लेकिन लास्ट में डिसाइड करेंगे। एक और पसंद पड़ा था, ये वाला ठीक था, लेकिन उसका जो है वो ढक्कन जो होता है ना उसका कैप अच्छा नहीं था, ये वाला का कैप अच्छा नहीं लगा। ये देखिए इसका कैप मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर बोले छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऊपर से भी खोलना पड़ेगा, तो वो पसंद नहीं पड़ा हम लोग को। और ये दिखा रहे हैं ये वाला अच्छा लगा, ये वाला थोड़ा यूनिक लगा कि हाँ गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था, ये सॉलिड था, ये अच्छा लगा था, उस ये वाले ग्रीन वाले से अच्छा ये व्हाइट वाला लगा। और ये वाले सेक्शन देखिए, ये बर्तन वाले सेक्शन है, जो बड़े वाले बाउल होते हैं वो वाले सेक्शन है, और किचन में स्टोरेज के लिए जो डब्बे होते हैं तो वो यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत सारा कलेक्शन था। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के लिए एक ले रही हूँ, ये वाला छोड़नी, ये वाला इनको मेरी फ्रेंड बहुत दिन से ढूंढ रही थी, और एक मैं अपने लिए भी ली हूँ सेम। और यहाँ पे वही स्पून वगैरह नाइफ वगैरह सब कुछ मिलता है। ये किचन का जो हम लोग किचन में डेली यूज का जो रहता है उसका ये सेक्शन है, और उधर वो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह अदर साइड हैं। और ये देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है, ये लकड़ी का सब कुछ है। ये ट्रे था जो वुडन ट्रे था, मसाले वाले भी वुडन वाले भी मिलते हैं, लेकिन ओपन वाले थे, मुझे चाहिए क्लोज वाले। अगर मसाले वाले मिलेंगे तो मैं वो सोच रही हूँ वुडन वाला लूँगी। और ये देखिए ये नाइफ वगैरह है यहाँ पे, ये नाइफ का सेक्शन है, नाइफ वगैरह है मतलब चॉपिंग वाला। और ये हमारा फिर से आ गया डेकोरेशन का, ग्लास वगैरह ये वाले सेक्शन में पूरा डेकोरेशन का ही है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट वगैरह के लिए पानी डालने के लिए और डेकोरेशन के लिए, मेनली डेकोरेशन के लिए है। फ्लावर पॉट है, छोटे छोटे फ्लावर पॉट हैं, बड़े वाले हैं, तो डेकोर पीस है, ये सारे डेकोर पीस हैं। तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पे ये क्या देख रही है। ये अच्छा ये देख रहे हैं स्पून वाला है, स्पून इंडिया जैसा जो स्पून मिलता है ना कलरफुल, नीचे जो बेस रहता है कलर, जैसे वो ब्लैक वाइट है और ब्लू वाले भी हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी डेकोरेशन वाला ही है, फ्लावर का है, आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये रियल फ्लावर नहीं है, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर पूरा दिख रहा है। तो फ्लावर तो लेना नहीं है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। और इधर भी वही सेम डेकोरेशन वाला है, मैं इसको भी देख रही थी कि कहीं इसमें मैं बना सकूं ठकुआ, बड़े वाले बर्तन दिख रहे थे। तो ये सारे डेकोरेशन के ही आइटम थे, और प्राइस भी ठीक ही है, ये यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, प्राइस वाइज भी ठीक ही है, सारा सामान रिजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई है, नहीं रिजनेबल प्राइस है, अच्छा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं।
वो दौड़ के वो बुक ढूंढने के लिए गया है, यहाँ पे बुक का सेक्शन भी है ना, तो वो पापा और इसी दोनों बुक ढूंढने गए हैं कि बुक लेना चाह रहे थे वो लोग। तो चलिए हम लोग इधर मुड़ते हैं। तब तो तक और ये वाला सेक्शन कैंडल का है, कैंडल वगैरह जो होता है ना, तो पूरा सेक्शन भी कैंडल का ही है। और ये देख रहे हैं, ये अनानास के शेप में ये कैंडल है, ये पूरा कैंडल है। पहले मुझे लगा कि क्या है, लेकिन ये पूरा मॉम का कैंडल है। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद पड़ा ये वाला वॉच, ये लेना चाह रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये वाला पसंद था, लेकिन उनको वो पसंद है। ये बोलते हैं बहुत पुराना लग रहा है तुम्हारा वाला डिजाइन, मतलब वो जो अंदर में गोल्डन है ना, उनको उतना पसंद नहीं पड़ा। और ये पूरा फोटो फ्रेम का सेक्शन है और वॉच वगैरह है, तो मैं वही देख रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फोटो, कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं ये डेकोरेशन, ये जो गार्डन का डेकोरेशन होता है ना, वो वाला सेक्शन है। ये पूरा गार्डन का डेकोरेशन का है कि समर में आप समर हो या विंटर हो, जनरली तो अभी समर का सब कुछ लगा हुआ है। और ये देखिए, ये इंडोर का डेकोरेशन का ये पॉट भी मिल रहा है। लास्ट टाइम मैं यहीं से एक पॉट ले गई थी, छोटा वाला स्मॉल साइज का था, और इस समय ये बड़े वाले पॉट मिल रहे हैं। तो यहाँ वुडन का भी था। और ये देखिए ये वाले, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसको सोच रही हूँ को ले लूँ, क्योंकि हर बार ना यहाँ पे ना आपको ना जैसे यूरो शॉप होता है ना चेंज, यहाँ पे एक यूरो शॉप है हमेशा चेंज रहता है, वैसे ही यहाँ पे सामान चेंज होते रहता है एवरी वीक। यहाँ पे जो सामान आप पहले देखे वो नेक्स्ट वीक जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा तो सोच रही हूँ कि ले लूँ, अगर छोड़ेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, तो ये बोले कि ले लो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वही देख रहे हैं कि ब्लैक लूँ या वाइट लूँ। और यहाँ पे मैं ये वुडन वाला भी टोकरी, लकड़ी का जो होता है ना टोकरी फ्लावर वाला, वो देख रही हूँ। हम लोग डिसाइड कर लिए और हमें यहाँ पे ये वाइट वाला लिए हैं। और इधर मेरा वॉच रखा हुआ, वॉच भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे वही गार्डन का देख रहे हैं, ये उस साइड जो है ना पूरा गार्डन का डेकोर है ये सब। ये देखिए पूरा गार्डन को सजाने के लिए, तो समर में देखते हैं क्या क्या लेंगे समर में सजाने के लिए। और एक मुझे ये भी अच्छा लगा था ग्रीन वाला, पूरा वेजिटेबल एक साइड रहे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली दे रहा था, और वो है कि समर के लिए है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और ये लाइटिंग है बाहर का, आउटसाइड गार्डन का लाइटिंग है इस साइड पूरा, ये पूरा लाइटिंग ही है। और ये वाला, ये इनको बहुत पसंद पड़ा, ये है ऑर्गेनाइजर बॉक्स जिसको बोलेंगे, बहुत बड़ा है छोटा नहीं है, तो इनको चाहिए था ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ऑफिस के बगल में ही चाह रहे थे रखने के लिए। तो हम लोग अभी नहीं लिए हैं, नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि इसका एक ही पीस था और वो भी थोड़ा सा ना ब्रोकन था, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगर मिला तो सेम, अगर सिमिलर मिल गया, जनरली यहाँ पे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और यहाँ पे कार्टन वगैरह है फिलिप्स का जो, और यहाँ पे ये देखिए गार्डन का सारा सामान भी मिलता है, जैसे ये फ्लावर का है, चेयर है, टेबल है, तो गार्डन का भी सामान मिल जाता है यहाँ पे मोस्टली, डेकोरेशन का भी, मतलब कहे ना सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये वाला सेक्शन वही हमारा बाथरूम का, जैसे ब्रश वगैरह मिलता है, लिस्ट्रीन वगैरह, कोलगेट, ये वाला सेक्शन है। और ऋषित जिस साइड खड़ा है उसके अपोजिट पीछे वो सर्फ हुआ, लिक्विड हुआ कपड़ों के लिए, उधर वो सब मिलता है। तो बहुत बड़ा शॉप है, बहुत कुछ मिलता है, मतलब जो ढूंढिए आप एक जगह आप आइए और सब कुछ खरीद सकते हैं, वैसा शॉप है ये।